कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शाहपुर थाना और गोरखनाथ में पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए कॉन्टैक्ट एवं रैंडम टेस्टिंग कराई जा रही है, जिससे कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि कई जगहों पर छोटे छोटे हॉटस्पॉट बनाकर कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में संख्या बढ़ जाने के कारण वहां पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना के पेशेंट प्रतिदिन ही निकल रहे हैं और व्यापक स्तर पर प्रशासन ने तैयारियां की हैं और लगातार भारी संख्या में हम लोग रैंडम टेस्ट और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है, यदि एक बंदा कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे 5-10 लोग भी जो साथ में उसके संपर्क आए होते हैं उसकी चेकिंग की जाती है। इस वजह से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों से हम यही अपेक्षा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अनावश्यक भीड़ मत लगाएं, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी और अपने हाथ बार बार धोएं। और जहाँ जिन इलाकों में हमें निषेधाज्ञा लागू की है, खासतौर से शाहपुर और गोरखनाथ क्षेत्र, ये देख करके लागू की जाती क्योंकि वहाँ पर स्प्रेड बहुत हो गया है, बहुत भारी संख्या में लोग कोरोना प्रभावित हो जाते हैं और 250 मीटर 300 मीटर के जो हॉटस्पॉट बनते हैं वो काफ़ी पास पास बनते हैं, इसलिए एक साथ फिर हमें वो एरिया बंद करने पड़ते हैं। तो मैं लोगों से यही आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन नियमों का पालन करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और ये चूँकि ये मौसम भी ऐसा है जिसमें कोरोना को हेल्प मिलती है और अगर हमें सहयोग अच्छे से मिलेंगे, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, पुलिस इसमें आगे से फ्रंट रनर है, हमारी पूरी कोशिश है इस पर काबू पा लिया जाएगा।